एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है जिस दे विच एक 9 साल दे विद्यार्थी दी जान चली गई है। ता दस दिए कि अचानक ही वैन दा टायर फटता है। टायर फटन तो बाद वैन दी टक्कर सीधी जाके दरखत दे नाल हो जाती है जिस दे विच 4 लोग गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाते हैं जिन्हां दे विचों एक बच्चा भी शामिल दस्या जा रहा है जिसका कि हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है पर हुण इलाज के दौरान दस्या जा रहा है कि इस बच्चे ने दम तोड़ दिता है। तो 3 व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी दसे जा रहे हैं तो 1 बच्चे की हुण मौत हो चुकी है। तो दस दिए कि हादसा बीते दिन गिदड़बाहा दे विच वापरिया सी जदों 30 तों 35 स्कूल दे बच्चों के नाल भरी हुई वैन जा रही थी तो रस्ते दे विच अचानक ही टायर फट जाता है। टायर फटन तो बाद ये वैन बेकाबू हो जाती है। बेकाबू होकर जाके सीधा ही दरखत के नाल टकरा जाती है तो जिसके कारण ड्राइवर समेत 3 बच्चे गंभीर रूप नाल जख्मी हुए थे। उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। इन जख्मियों के विच ही यह बच्चा भी शामिल सी जिसकी पहचान जस कमल वजो हुई सी। हुण इसकी मौत की खबर सामने आई है जिसके कारण परिवारक मैंबरों का हुण रो रो के बुरा हाल है। तो हादसे दीआं इह तस्वीरां भी सामने आईआं ने जदों स्कूल वैन का टायर फटिया 30 तों 35 बच्चे इस वैन दे विच सवार दसे जा रहे ने जिस दे विच दसिया जा रहा है कि हुण 1 विद्यार्थी की मौत हो गई है। तो पुलिस के वलों हुण इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर हादसा वापरिया किवें। पर मुढ़ली जानकारी दे विच इह सामने आया कि अचानक ही वैन का टायर फटदा है। टायर फटन के कारण स्पीड ज़्यादा तेज हुंदी है। स्पीड तेज होने के कारण वैन बेकाबू हो जाती है। बेकाबू होकर जाके सीधा ही दरखत के नाल टकरा जाती है जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो वैन के ड्राइवर वाला पासा है वह बिल्कुल ही बुरे तरीके दे नाल भन्निया गया है। तो इस दे विच ड्राइवर भी गंभीर रूप नाल जख्मी होया दसिया जा रहा है। तो गिदड़बाहा दे विच इह स्कूल वैन का हादसा वापरिया सी जिस दे विच एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है जिसकी पहचान जस कमल वजो हुई है। एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है जिस दे विच एक 9 साल के विद्यार्थी की जान चली गई है। तो दस दिए कि अचानक ही वैन का टायर फटता है। टायर फटन तो बाद वैन की टक्कर सीधी जाके दरखत के नाल हो जाती है जिस दे विच 4 लोग गंभीर रूप नाल जख्मी हो जाते हैं जिन्हां दे विचों एक बच्चा भी शामिल दसिया जा रहा है जिसका कि हस्पताल दे विच इलाज चल रहा है पर हुण इलाज के दौरान दसिया जा रहा है कि इस बच्चे ने दम तोड़ दिता है। तो 3 व्यक्ति गंभीर रूप नाल जख्मी दसे जा रहे हैं तो 1 बच्चे की हुण मौत हो चुकी है। तो दस दिए कि हादसा बीते दिन गिदड़बाहा दे विच वापरिया सी जदों 30 तों 35 स्कूल के बच्चों के नाल भरी हुई वैन जा रही थी तो रस्ते दे विच अचानक ही टायर फट जाता है। टायर फटन तो बाद ये वैन बेकाबू हो जाती है। बेकाबू होकर जाके सीधा ही दरखत के नाल टकरा जाती है तो जिसके कारण ड्राइवर समेत 3 बच्चे गंभीर रूप नाल जख्मी हुए थे। उन्होंने इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सी। तो इन जख्मियों के विच ही यह बच्चा भी शामिल सी जिसकी पहचान जस कमल वजो हुई सी। हुण इसकी मौत की खबर सामने आई है जिसके कारण परिवारक मैंबरों का हुण रो रो के बुरा हाल है। तो हादसे दीआं इह तस्वीरां भी सामने आईआं ने जदों स्कूल वैन का टायर फटिया 30 तों 35 बच्चे इस वैन दे विच सवार दसे जा रहे ने जिस दे विच दस्या जा रहा है कि हुण 1 विद्यार्थी की मौत हो गई है। तो पुलिस के वलों हुण इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर हादसा वापरिया किवें। पर मुढ़ली जानकारी दे विच इह सामने आया है कि अचानक ही वैन का टायर फटदा है। टायर फटन के कारण स्पीड ज़्यादा तेज हुंदी है। स्पीड तेज होने के कारण वैन बेकाबू हो जाती है। बेकाबू होकर जाके सीधा ही दरखत के नाल टकरा जाती है जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो वैन के ड्राइवर वाला पासा है वह बिल्कुल ही बुरे तरीके दे नाल भन्निया गया है। तो इस दे विच ड्राइवर भी गंभीर रूप नाल जख्मी होया दसिया जा रहा है। तो गिदड़बाहा दे विच इह स्कूल वैन का हादसा वापरिया सी जिस दे विच एक 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है जिसकी पहचान जस कमल वजो हुई है।